नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी मशरूम का सब्जी। ये देखिए मशरूम। मशरूम में मैं क्या क्या मिलाऊंगी, ये देखिए 3 आलू, टमाटर, 4-5 पटल। मशरूम को पैक किया हुआ है, मैं खोल के दिखा दे रही हूँ। मैं फ्रिज में रखी थी, कल शाम को लाकर इसीलिए इस तरह हो गया है। ये देखिए, अब मैं छोटे छोटे पीस करके काट लूंगी सब अलग अलग, मशरूम, आलू, टमाटर, पटल को। सारा सब्जी काट लिए हैं, ये देखिए पटल, टमाटर, आलू, ये देखिए मशरूम, इस तरह करके काटना है। अब मैं आलू को फ्राई करके रख लूंगी और पटल को, फिर मैं मशरूम को फ्राई करूंगी। मसाला क्या क्या दूंगी, लहसुन, सूखा मिर्चाई आदि, ये देखिए गरम मसाला, जीरा 1 चम्मच, धनिया 1.5 चम्मच, ये सारा प्याज। मैं प्याज को भूंजूंगी। ये मसाला सारा मैं पीस के रख लेती हूँ। मैं आलू को फ्राई कर ली हूँ, मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। मेरा आलू पटल फ्राई हो गया, पहले मैं पटल को फ्राई कर ली थी, फिर आलू को उठा लेती हूँ। अब मैं प्याज फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज थोड़ा लाल लाल हो जाएगा, तब फिर मैं मशरूम को देंगी। इसमें प्याज लाल हो गया, अब मैं मशरूम को इसमें दे रही हूँ। थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, मशरूम को प्याज के साथ भूनूंगी। मैं आलू पटल में भी थोड़ा थोड़ा नमक देकर फ्राई की थी, नमक हल्दी देकर। इससे सस्ता भी मैं दी हूँ, मशरूम भुजा गया है। अब मैं इसे इसमें मसाला डालूंगी। भूनने में वही 4-5 मिनट लगा, ज़्यादा देर नहीं। इसमें मसाला में मैं टमाटर भी पीस दी थी साथ में। हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, मैं इसके साथ मसाला को अच्छे से फ्राई कर लूंगी 5-6 मिनट तक। मसाला भुजा गया, अब मैं इसे इसमें फ्राई किया हुआ आलू और पटल को दे रही हूँ। दो 3 मिनट तक मैं इसको साथ में चलाऊंगी, फिर ग्रेवी के हिसाब से
पानी दे दूंगी। पानी दे दे रही हूँ। इसमें उबाल आ जाए फिर मैं 2-3 मिनट तक रखूंगी उबाल आने से। इसमें गरम मसाला दे देती हूँ। इसको ढक देती हूँ थोड़ा 3 मिनट तक। मैं ढक्कन खोल रही हूँ। 3-4 मिनट हो गया। मशरूम बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। देखिए कितना सुंदर बना मशरूम। आप भी इसी तरह करके बनाइएगा। बहुत टेस्ट होता है मशरूम, बहुत टेस्टी बनता है। इसी तरह आप भी घर में ट्राई करिएगा।